सिविलियन टॉक के इस नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो फिर से घर पे होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक थंब रूल दिया था कि 2023 के अंदर अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो आपको कितना खर्चा आने वाला है। आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना खर्चा आएगा वो चीज़ की जानकारी तो मिल गया, बट कौन से चीज़ में कितना खर्चा जाने वाला है, मतलब कि सीमेंट में कितना पैसा जाने वाला है, ईंट में कितना पैसा जाने वाला है और सैंड में कितना पैसा जाने वाला है, दैट मीन्स कि हर एक मटेरियल में कितना कितना पैसा जाने वाला है, वो हर एक चीज़ आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको हर एक चीज़ का जानकारी स्टेप बाय स्टेप दूंगा। सो चलिए इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जनरली हम लोग बी क्लास का घर डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि बी क्लास का घर जो है क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है। सो बी क्लास का के लिए जो हम लोग थंब रूल जो दिए थे कि 1500 से 1800 पर स्क्वायर फीट हमारा खर्चा आने वाला है। ये जो हमारा खर्च है स्ट्रक्चर और फिनिशिंग दोनों मिला के खर्च आता है इतना। स्ट्रक्चर दैट मीन्स कि आप घर बना के खड़ा कर दिए, हर एक चीज़ आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो फिनिशिंग में हमारा खर्चा आएगा दैट मीन्स कि पेंटिंग, टाइल्स लगाना, ये सारा खर्चा इंक्लूडेड होके हमारा इतना, मतलब 500 स्क्वायर फीट का अगर घर बनाना चाह रहे हैं आप तो 9 लाख रुपया में आपका हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। सो इस वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन से चीज़ पे कितना खर्चा जाने वाला है। सो दोस्तों, जब भी आप अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्टली आपको ड्राइंग रिक्वायर होता है। ऐसे जनरल अगर आप घर गाँव घर में बनाते हैं तो वो तो नॉर्मली बन जाता है, बट मैं आपको प्रीफर करूँगा कि एक ड्राइंग जरूर इंजीनियर से कंसल्टेंट करके बनाइए, क्योंकि एक ड्राइंग आपके पास मिल जाने पे आपको स्ट्रक्चर का भली भांति नॉलेज हो जाएगा। सो आपका जो स्ट्रक्चर होगा उसका एज बढ़ जाएगा, बिकॉज वो हर एक चीज़ डिजाइन करके आपको बताएगा, और नॉर्मली अगर आप बनाते हैं तो वो आप एक जनरल चीज़ लेके चलते हैं। सो 10-5 हज़ार के चलते आप अपने घर के क्वालिटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, एक ड्राइंग बनाइए। तो चलते हैं पहले पॉइंट जो है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग बनाने में जो खर्चा आता है हमारा 12 से 15 रुपया पर स्क्वायर फीट आता है। अगर आप 500 स्क्वायर फीट का घर बनाएंगे तो अप्रॉक्स उसका जो ड्राइंग का कॉस्ट हो जाएगा 7500 रुपया हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा मेन मटेरियल होता है सीमेंट। सीमेंट देखिए, जितना आपका एरिया होगा उसका 0.4% हमारा सीमेंट आता है। दैट मीन्स कि 0.4 × 500 करेंगे तो 200 बैग्स, यानी कि 200 बैग हमारा सीमेंट लगेगा। अगर हमारा एक बैग सीमेंट का दाम अगर मान लीजिए अभी 450 है तो कितना हो जाएगा 200 बैग का 90,000 रुपया। दैट मीन्स कि 90,000 का आपका सीमेंट लगा। उसके बाद हमारा आता है सेंड। सेंड क्या होता है, 1.48 CFT × एरिया। जितना एरिया है आपका उसको 1.48 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उतना CFT सेंड निकल के आ जाएगा। अगर 500 है हमारा तो 740 CFT सेंड आ गया। सेंड का कीमत अभी मार्केट में 65 CFT चल रहा है, 65 रुपया पर CFT। देन 48,100 रुपया हमारा सेंट का पड़ गया। ये हमारा तीसरा मटेरियल था। उसके बाद देखिए हमारा चौथा जो मटेरियल है स्टील है। स्टील हमारा कितना लगने वाला है, 2.8 kg पर स्क्वायर फीट, तो 500 का कितना होगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये हमारा थंब रूल है, स्टील इतना आएगा, ये सब थंब रूल है। सो इस थंब रूल को आपको हमेशा याद रखना है। अभी मैं 500 स्क्वायर फुट का निकाल के बता रहा हूँ, आप 1000 का भी निकाल सकते हैं, 1500 का भी निकाल सकते हैं, आपका जितना भी एरिया है आप हर एक चीज़ निकाल सकते हैं। सो देखिए 500 का कितना, 1400 kg हमारा स्टील हो गया। 1 kg स्टील का दाम अगर आप एकदम बढ़िया क्वालिटी का लेंगे तो 85 रुपया आता है। तो इस हिसाब से इसका कॉस्ट 1,19,000 रुपया हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट 1.35 CFT × एरिया, इसे देखिए हमारा निकल के आ रहा है 675 CFT, और इसका पर CFT जो कॉस्ट है 70 रुपया है। सो इसका 47,250 रुपया हमारा एग्रीगेट का कॉस्ट हो गया। उसके बाद ब्रिक, जो ब्रिक जब अगर ब्रिक मशीनरी आप घर बना रहे हैं तो एरिया इंटू 21, ये हमारा थंब रूल है। जितना भी आपका एरिया होगा उसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको लगेगा, यानी कि 10,500 ब्रिक लगेगा। और पर ब्रिक का कॉस्ट अभी जो मार्केट में चल रहा है वो 9.5 के हिसाब से चल रहा है, मतलब 99,750 रुपये का आपका ब्रिक आ जाएगा। इतना तो आपका मटेरियल कॉस्ट हो गया। अब आते हैं
शुरुआत करते हैं घर बनाना, पहला क्या करेंगे एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का जो कॉस्ट होता है 2.5 CFT इन पर स्क्वायर फीट इंटू एरिया। सो 1250 और 10 रुपये पर CFT चार्ज करता है, तो 12500 रुपये हमारा एक्सकवेशन का हो गया। अगर आप एक्सकवेशन किए उसके बाद उसका सॉयल फिलिंग भी करना है तो सॉयल फिलिंग का चार्ज देखिए 1.5 पर CFT इंटू एरिया, तो 750 CFT हो गया। और देखिए सॉयल प्लस लेबर चार्ज कुल मिला के कितना लेता है, 12 रुपया पर CFT, उस हिसाब से इसका कॉस्ट हो गया हमारा 9000 रुपया। उसके बाद टाइल का है, देखिए टाइल का 0.7 इंटू एरिया है। उसके बाद देखिए लेबर कॉस्ट 240 पर स्क्वायर फीट। इससे पिछले वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि 20-25% जो है हमारा लेबर कॉस्ट में जाता है, तो ये 1,20,000 हमारा हो गया लेबर कॉस्ट। ये हमारा पूरा मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट हुआ दोस्तों। उसके बाद 30-40% जो खर्चा है हमारा वो फिनिशिंग के वर्क में आता है, जैसे कि पेंटिंग, सेप्टिक टैंक बनाना, रेलिंग बनाना, डोर बनाना, विंडो बनाना, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लंबिंग वर्क, एवरीथिंग, इस सब में 40% जाता है। तो कुल मिला के जो हमारा 9 लाख रुपया है, उस 9 लाख का 40% मीन्स कि 3,60,000 रुपया हमारा फिनिशिंग में जाएगा और बाद बाकी का स्ट्रक्चर में जाएगा, मतलब लेबर सहित स्ट्रक्चर में जाएगा। सो हमारा वी ग्रेड का घर ऐसे बनेगा और इतना खर्चा आएगा बी क्लास के घर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इस पर एक और थंब रूल का वीडियो लाने वाला हूँ, वो उसमें और ज़्यादा जानकारी आपको पता चलने वाला है। सो चलिए इस वीडियो में इतना ही।